बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ, और इसका चेक भी अभी आपके सामने करूँगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब आप देखें कि इसको कैसे करना है। इसका जो इसके रूट है, सबसे पहले हम इसे ख़त्म करेंगे। इसके रूट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो स्केयर हम ले लेंगे बोथ साइड्स में ना, और उसके बाद देखिएगा क्या सिचुएशन होती है। ये क्वेश्चन यहाँ तक है, ये जो उसने दी होती है कंडीशन होती है कि एक्स का आंसर -5/2 नहीं आना चाहिए। बस ये क्वेश्चन है और इसी को आपने सॉल्व करना है। फिर जो आंसर आएगा फिर इस क्वेश्चन में हम दोबारा पुट करके चेक करेंगे। स्केयर जब लेंगे हम बोथ साइड पे तो क्या होगा, x+1/2x+5, इसका ये स्केयर रूट। इसके ऊपर स्केयर आने के बाद 2 पे भी स्केयर ले लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1/2x+5=2^4। ये जो नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x+1=4×2x+5। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x+1=4×2 8x और 4×5=20। x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम इस 8x को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इस 1 को हम इक्वल की इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इनको शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये 8x इधर आकर -8x हो जाएगा और ये 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। x में से 8x माइनस करें तो कितना आ जाएगा, -7x, और यहाँ पे 20 में से 1 चले जाए तो कितना आ जाएगा, 19। अब ये माइनस का 7x है, ये -7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम 19/7 लिख लेंगे और माइनस हम यहाँ लगा लें, नीचे लगा लें, जहाँ भी लगा लें, ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन कब होगा, जब हम इसको चेक करें और ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये, इसको हम इसमें आंसर को पुट करेंगे और चेक करेंगे। अब मैं इसको चेक लिख रहा हूँ और चेक की सिचुएशन देखें कैसी होती है। चेक के अंदर हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, x+1/2x+5√2। अब x की जगह पर हम 19/7 को रिप्लेस करेंगे, कौन सा, -19/7। तो देखिएगा इस x की जगह पर आएगा -19/7+1/2, फिर x की जगह आ जाएगा -19/7+5, इसके ऊपर आप स्केयर रूट लगा लें = 2। अब आप स्केयर रूट के अंदर वाले ऊपर वाले हिस्से को अलग सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नीचे वाले को अलग सिंप्लीफाई कर लें। मैं सिंप्लीफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे कर लिया। स्केयर रूट लगा लें, ऊपर वाले का दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 है ये -19 वैसे, और 7×1=7। इसी तरह नीचे वाले का एलसीएम अलग निकाल लेंगे, 7 है ये, 19×2=38 है, और ये 7×5=35 है, और इक्वल में 2 है। अब क्या होगा, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह पे कर इसको कंप्लीट करता हूँ। 19 में से 7 को अगर माइनस कर लें तो -12 आ जाएगा, और यहाँ पर 7/38 में से 35 को माइनस कर लूँ तो -3 आ जाएगा, ओवर में 7, इसके रूट ऊपर इक्वल में 2। ये वाला 7 से 7 कैंसिल होने के बाद आपके पास बच रहा है -12/-3=2। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 3×1=3, 4×12, तो 4 का स्केयर रूट इज इक्वल में आ रहा है 2। 4 का स्केयर रूट 2 होगा, 2=2। दोनों तरफ सेम आ गया है, इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन सेट है वो यही है, क्या, -19/7। तो यू इस क्वेश्चन को हमें डन करना है।